हेलो डियर पेरेंट्स, वेलकम बैक टू बेबी फ्लेवर्स। आज मैं आपके नन्नों मुन्नों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और क्विक रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बेबी के लिए बनाने वाले हैं बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में आज हम बेबी के लिए लेकर आए हैं एप्पल एंड सूजी की खीर, जो कि बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यमी लगती है। एक बार इस रेसिपी को अगर आप बना के खिलाएंगे तो बच्चा खाने से मना नहीं करेगा। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। गैस पे एक पैन रखेंगे और एक छोटी चम्मच डालेंगे घी, उसके बाद दो चम्मच डालेंगे सूजी रवा और इसे अच्छे से भून लेंगे लगातार चलाते हुए एक दो मिनट तक, कलर चेंज होने तक। अब भूनने के बाद इसे एक प्लेट में अलग निकाल लेंगे। एक छोटा साइज का हम लेंगे एप्पल, इसे वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद इसे छिलका उतार के इसे कट कर लेंगे और इसे हम ग्रेट कर लेंगे, यानी कद्दूकस कर लेंगे। और अब गैस पर फिर से पैन रखेंगे, उसमें एक चम्मच डालेंगे देसी घी। घी गर्म होगा उसके बाद हम इसमें डालेंगे कद्दूकस किया हुआ एप्पल और एप्पल को अच्छे से भून लेंगे हम इसमें। भूनने के बाद हम इसमें एक कप ऐड करेंगे मिल्क। तो यहाँ पे हमने बॉयल काऊ मिल्क लिया है। एक साल से ऊपर के बच्चे को आप गाय का दूध दे सकते हैं, एक साल से नीचे के बच्चे के लिए आप ब्रेस्ट मिल्क फार्मूला मिल्क यूज़ करिए। अब उसके बाद हमने इसमें भुनी हुई सूजी डाल दी है और इसे अच्छे से पका लेंगे एक दो मिनट। उसके बाद हम इसमें डालेंगे एक चम्मच ड्राई फ्रूट पाउडर, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद डालेंगे हम इसमें एक छोटे चम्मच मिश्री का पाउडर, आप जैगरी पाउडर भी डाल सकते हैं, डेट सिरप भी डाल सकते हैं और इसे पका लेंगे। एक दो मिनट में अच्छे से बनके तैयार हो जाएगा। गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे सर्विंग बोल में निकाल लेंगे और ये बेबी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी एंड टेस्टी ब्रेकफास्ट बनके तैयार हो गया है। ये सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है, तो आप मॉर्निंग में इसे बेबी को खिला सकते हैं ब्रेकफास्ट के रूप में। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी रहेगा ये बेबी के लिए। इससे बेबी का बोन्स मसल स्ट्रांग होगा, वेट गेन होगा और बेबी का ब्रेन भी डेवलप होगा। साथ ही में ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहेगा बेबी के ओवरऑल हेल्थ के लिए। तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना और ऐसी अच्छी रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। Bye-bye.